बहुत ही बकवास मूवी थी, बीच में से आने का मन था हमारा। बहुत अच्छी थी, थोड़ा एक्शन ज्यादा दिखाया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी है मेरे हिसाब से। मूवी बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत मस्त मूवी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया। और फाइनली आज बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर मूवी मरजावा रिलीज हो चुकी है, जिसमें स्टार कास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, रघुलप्रीत सिंह और तारा सुतारिया है। रितेश देशमुख ने इसमें एक विलन का किरदार निभाया है और वो बोने किरदार में इस मूवी में नजर आएंगे। साथ ही साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी इसमें विलन का किरदार निभाया है। लेकिन एक मूवी में ट्विस्ट आता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जिससे प्यार करते हैं तारा सुतारिया, उन्हीं को मार देते हैं। तो दर्शकों से ये जानना है कि उन्हें ये मूवी कितनी पसंद आई। अच्छा, सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्शन बहुत अच्छा रहा, उनका भी किरदार बहुत अच्छी थी। थोड़ा एक्शन ज़्यादा दिखाया, शो थोड़ा ज़्यादा था, बाकी स्टोरी अच्छी थी। रितेश सही जा रहा है, थोड़ा वो जो बौना किरदार था वो नहीं होना चाहिए था, बाकी सही था, उनका सही था। बहुत ही बकवास मूवी थी, बीच में से आने का मन था हमारा, पर नहीं कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। और उस पूरी मूवी में बस मारधार और बकवास थी, कभी कुछ हो जाता था। हाँ, इस हिसाब से तो हिट होनी चाहिए क्योंकि उसकी मूवी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी है मेरे हिसाब से। उसमें से मैं 4 स्टार दूंगा। मूवी बढ़िया है, बोने का किरदार बहुत अच्छी तरह से निभाया गया है इसमें, और जो एडिटिंग वगैरह की गई, एक्शन वगैरह, एक्टिंग के मामले में ये फिल्म बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट ना। आप वो थी, मैंने एंटिसिपेटेड कर लिए थे पहले से क्या होने वाला है। हाँ जस्ट लाइक, हाँ हाँ, स्पॉइलर्स नहीं दे सकते ना, क्या करें। गाने गाने तो अच्छे ही थे। और उसमें क्या कुछ नया था 90 के दशक में जो होता था, वो क्या इस बार 2019 में? ना मुझे तो वैसे ही लगा, नॉर्मल जस्ट लाइक। बहुत शानदार, बहुत मस्त मूवी है। तारा सुतारिया 4 स्टार कास्ट की, तो मूवी क्या लगी, किस तरह से आपको क्या मजा आया? सबसे बढ़िया रोल रहा रघु, सिद्धार्थ मल्होत्रा का, और सेकंड जो रहा तारा सुतारिया का। बहुत शानदार लगा। अगर नेगेटिव भूमिका में देखा जाए तो रितेश देशमुख का किरदार बहुत जबरदस्त, अभी तक की सारी मूवीज में जो देखा जाए। हाँ जी, हाँ जी, रणजी उससे रिलेटेड, जैसे पुरानी पिक्चरों में जो होता था, जैसे रंजीत, अमरशपुरी या फिर वो उस टाइप के जो लोग थे, उसको दोबारा मतलब रिटर्न किया है रितेश देशमुख ने। नहीं, बहुत जबरदस्त मूवी है, जैसा सोचा था उससे ज्यादा अच्छी मूवी। नहीं नहीं, कुछ थोड़ा सा लगा था तब, जो बीच में वो तारा सुतारिया की जब मौत हुई थी उसके बाद थोड़ा सा लगा था, मूवी धीरे हुई थी, फिर जो स्पीड पकड़ी इस मूवी ने बहुत बढ़िया रही। शानदार, शानदार, एक नंबर। बॉक्स ऑफिस पर मरजावा मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसमें रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तारा सुतारिया, रघुलप्रीत सिंह हैं। रघु का किरदार निभाया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और बोनी का किरदार निभाया रितेश देशमुख में, जो उसमें विष्णु बने हैं। जिस तरह 80 और 90 के दशक में होता था मार काट धार और प्यार सफुल, उसी को मिलाप छावे ने फिर से 2019 में क्रिएट किया है। यंगस्टर का कहना है कि मूवी बकवास थी, लेकिन जिन लोगों ने इस मूवी को लगातार देखा है 2.5 घंटे तक, उन लोगों को ये मूवी जरूर पसंद आई। अगर आप लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख को पसंद करते हैं, अगर आप उनके फैन हैं, तो निकलिए घर से, टिकट बुक करवाइए, आइए मूवी देखने। दिस इज बागीशा हियर साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन आयुष यादव, टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।